नारायण नारायण। ओहो महर्षि नारद जी, देवलोक से तने मारा लोक रा आ यज्ञ मंडप में आगमन करया। या देख के तो लागे है कि थाने भी लोक से ज्यादा मारे लोक में दिलचस्पी है। राजन, मेरे आगमन के बारे में मैं आपा बाद में मैं चर्चा करांगा। या बताओ कि थे या कोनी चाबो की थारे द्वारा करियो जा रही यू महाज्ञो कार्य मंगलमय हुए। क्यों नारद जी, ईश्वर के बिना सिद्धि प्राप्त कोनी हुए, वही मारा भाग्य बिताता है। शिव के बिना कुछ भी संभव कोनी, ये तो जाने हो ना। हाँ, शिव। कौन सा शिव? वो जो आपने शरीर पर भस्म लगावे, पशुवारी खाल पहने, भूताने सदा अपने सांगे रखे, सापारी माला अपने गले में पैर के, किसी की चिंता किए बगैर निर्भय होके भटके, जेके रहने के ठिकानों कोनी, शरीर पर वस्त्र कोनी और खाने खातर अन्न कोनी, ब्रह्म देव की दया से जीवित रहने वाले शिव को आदर करने कहो हो। हाँ, संन्यासियों की तरह कैलाश पर्वत पर रहने वाले भी शिव ने कौन आदर करेगो? पिताजी, इसे आगे एक शब्द मत ना बोलो, बाको अपमान में कदापि थोड़ी सहूंगी। इसे महान तपस्वी के अपमान करना थाने शोभा नहीं देवे पिताजी। दक्षिणी, तू अपने पिता राजा दक्ष ने समझा रही है? इतनी बड़ी हो गई है तू? इस परम पवित्र यज्ञ मंडप में बा अशुद्र ने बुलार, मैं इस पवित्र वातावरण ने अशुद्ध करूंगा, इसको कहियो सोच लियो तू। मूर्ख और अहंकार दोनों में ही विनाश होवे है पिताजी, और यो भी सत्य है, मृत्यु जैसे बैर करी के अपनी मृत्यु न मत ललकारो। बंद कर थारिया बकवास। महावीर, महाज्ञानी, गौरवशाली सत्पुरुष वयोवृद्ध सारा ही महायज्ञ में आवेगा। इस उच्च और महान पुरुषा के सामने तू मेरे अभिमान ने ललकार रही है। प्रजापति स्वयं ही मंडप में उपस्थित होवेगा, स्वयं विष्णुदेव और ब्रह्मादेव मेरे गौरव करण आवेगा। अगर वो तेरो पति है तो मैं अपना अपमान भूल जाऊं, भी पशुपति री, हाँ पशुपति री स्तुति करूं के, परमेश्वर मान के पूजा करूं के, कैलाश पति मान के कौतुक करूं के। मन ने समझाने से पहले जाके अपने भी अहंकारी पति ने सबको आदर करना सिखा। अपने ही अहंकार में जी को व्यक्ति डूब जावे है, बीको के ही उदाहरण है थे के कोई का समझाएगो। शंकर के आशीर्वाद खातर तपस्या करण वाला तपस्वी है जाने है महादेव की महिमा ने, योगी है जाने ईश्वर की महानता ने, त्रिलोक वासी जाने है त्रिलोचन की शक्ति ने, अहंकार और अज्ञान के अंधेरे में फंसे भी मूर्ख व्यक्ति ने के बारो ईश्वर की शक्ति में आनंद है। हाँ? शिव के बिना ये यज्ञ में उपस्थित हो यो मेरी अपराध हो। अपने प्राणेश्वर के बिना ये महायज्ञ में आई ये महा अपराध हो, मन ने पाप के प्रायश्चित करनो ही होगो। महादेव की बात ने मारने का दंड मैं अपराधी को मिलना ही चाहिए। अग्निदेव दंड देवो, दे देवो दक्षिणी को, दश को दियोड़ो यो शरीर मिटा देवो खो।